आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस कैप्शन के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये खबर गलत है। वीडियो जो चल रही है वो वीडियो दुरुस्त है। बता दें कि असल वाकया क्या है। जामा मस्जिद इलाके के जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने जामा मस्जिद का गुसलखाना और शौचालय का काम अपने फंड से करवाया था, लिहाजा उस सिलसिले में उनका इस्तकबाल करने के लिए 13 मार्च को उन्हें वहाँ बुलाया गया था। उस मंच पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जो वहाँ के सांसद हैं मौलाना शाही इमाम जो अहमद साहब जो हैं बुखारी साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनका भी इस्तकबाल किया गया और डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें भी फूलों का हार पहनाया। वहाँ जो पीछे बैनर लगा हुआ है उस बैनर पर भी शाही इमाम की तस्वीर है, लेकिन वो कतई भी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। और इसी वीडियो की बुनियाद पर, उसे आधार बनाकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसको वायरल कर रहे हैं कि दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये खबर इंतहाई गलत है, उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि यहाँ डॉक्टर योगी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और पिछले 9 सालों से जब से इस लोकसभा के सांसद बने हैं अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं, और दिलचस्पी अगर डॉक्टर के विकास में रहती है। राजा मार्केट का पुल हो, तबंगा पुल हो, सैकड़ों पार्कों में और भी बहुत से काम डॉक्टर साहब ने किए हैं, और इसी के जान से आज यहाँ ऐतिहासिक जामा मस्जिद के खिदमत का मौका मिला है।